बच्चों, हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। और मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है, और ठीक इसी प्रकार से मस्तिष्क के बाएं भाग से शरीर के दाहिने अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर शरीर के दोनों अंग एक साथ कार्य कर रहे हो तो इसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है और मस्तिष्क के दोनों भाग इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो मिले जुले रूप में मिलती है। चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को निकालिए और तर्जनी उंगली को आगे की तरफ रखिए और इसे घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब ठीक इसके विपरीत दिशा में घुमाइए। अब हथेली की एक अंगुली को घड़ी की दिशा में और एक अंगुली को विपरीत दिशा में घुमाइए। अब आप देख सकते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब हम इसे एक ही दिशा में घुमाते हैं तो ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन एक को घड़ी की दिशा में और एक को विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के दोनों अंगों से सूचना मस्तिष्क को मिली और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये भ्रमित रूप में व्यक्त हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ।